अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुडे इज आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ कन्वेंशंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, या जिनको हम उर्दू में कह सकते हैं बरतानवी आइन की रिवायात। रिवायात या कन्वेंशंस बेसिकली वो प्रैक्टिस होती है जिसको हम करते हैं और बार बार करते हैं। मींस कन्वेंशंस को हम कह सकते हैं कि रेपिटेशन ऑफ प्रैक्टिस है और साथ वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी हम जिस काम को करते हैं उसकी बार बार उसकी रेपिटेशन करते हैं, जिस तरीके से उसको बार बार किया जाता है या जिस तरीके से हम किसी भी काम को करते हैं, वो एक कन्वेंशन, एक रिवायत बन जाती है। और इन्हीं रिवायात को जो कोई कौम अपनाती है और कौमी सतह पर किसी आदत को बार बार अगर रिपीट किया जाता है तो वो कौमी आदत बन जाती है, और इसी कौमी आदत को बाद में हम कन्वेंशन या रिवायत कहते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम कन्वेंशंस कह सकते हैं उन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रूल्स को, उन प्रैक्टिसेस को जो एक गिवन सर्कमस्टांसिस में परफॉर्म किए जाते हैं, और इनको एक आप कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है या जो भी स्टेट का जो भी सिस्टम चल रहा होता है उसके अंदर जो एक पॉलिटिकल हैबिट है, पॉलिटिकल हैबिट या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है लोगों की, उनकी जो सियासी आदत, सियासी इनके रवैये हैं, उनको हम कन्वेंशंस कह सकते हैं। तो इस तरह कन्वेंशंस या रिवायात कौमी आदात होती हैं जो अवाम में जन्म लेती हैं और अवाम उनको इज्तमाही तौर पर एक लंबे अरसे तक अपनाए रखते हैं, और जब ये आते हैं उनके अंदर पक्की हो जाती हैं तो इनको हम रिवायात कहते हैं। रिवायात हर माशरे में पाई जाती हैं, वो माशरती रिवायात होती हैं, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर खास रसूमात हैं, फ्यूनरल से, जनाजे से, डेथ से रिलेटेड हैं, जो हिंदुओं की भी हैं, मुसलमानों की भी हैं, सिखों की भी हैं, हमारे अपने रिचुअल्स हैं जो हम डिफरेंट इस तरह के जो ओकेजन्स हैं उनके ऊपर अपनाते हैं। इसी तरह शादी ब्याह की रसूमात हैं, ये हमारी माशरती रिवायात हैं। तो इसी तरह बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर सियासी रिवायात हैं, क्योंकि वहाँ का आइन किसी एक इदारे ने नहीं बनाया, बल्कि वहाँ पर रिवायात ने वहाँ के सियासी इदारों को जन्म दिया, और वक्त और ज़रूरत के और उनके हालात के मुताबिक जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हुई, सरकमस्टांसेस चेंज हुए उनके, तो यही आदात जो उनकी सियासी आदात थी ये पक्की होती गईं और बाद में इन्हीं को रिवायात कहा जाने लगा। और जब हम बरतानिया के निज़ाम को देखते हैं तो वहाँ पर हमें कानून और आइन के पैरल हमें एक रिवायात की बहुत बड़ी रेंज नज़र आती है, और जो सारे का सारा उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो इसी के ऊपर बेस करता हुआ नज़र आता है। ये रिवायात इसलिए भी ज़्यादा वहाँ पर पक्की हो चुकी हैं, रासिख हो चुकी हैं, कि वहाँ पर के निज़ाम के मुताबिक ये रिवायात वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। इनकी इन रिवायात की एफिकेसी की वजह से इनको अपनाया हुआ है, और ये बरतानिया का आइन का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं रिवायात पर मुश्तमिल है। जैसे जैसे आप आगे आइन की खसूसियात पढ़ते रहेंगे, आइन के तहत जो मुख्तलिफ सियासी निज़ाम वहाँ पर जो चल रहे हैं, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर चल रहे हैं, पार्लियामेंट है जैसे, वहाँ की अदालती निज़ाम है, आप हर जगह पर देखेंगे कि आइनी रिवायात हैं जिनको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। और ये रिवायात किसी एक शख्स ने नहीं बनाई, किसी इदारे ने नहीं बनाई, बल्कि उनके जो सरकमस्टांसिस थे, उनके जो हालात थे, उनके मुताबिक ये रिवायात खुद ब खुद जन्म लेती रहीं, ज़रूरत के मुताबिक इनको बनाया गया, और बाद में बार बार प्रैक्टिस से ये पक्की हो गई और इनको आइनी रिवायात का दर्जा हासिल हुआ। इन रिवायात को वहाँ की अदालतें कानून के तौर पर तस्लीम नहीं करती, लेकिन वहाँ के अवाम इनकी पाबंदी, इनकी पैरवी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे कि कानून की। डॉक्टर फ्रीमैन का कहना है कि रिवायात कुछ दर हकीकत कुछ अखलाकी इज़ाबतों का मजमूआ है जिनका ताल्लुक सियासत से होता है। अब उसने रिवायात को अखलाकी असूलों का मजमूआ करार दिया है, अखलाकी इज़ाबतों का,
लेकिन वो अखलाकी जब्ते जो सियासत से रिलेटेड हैं। अब सियासत से रिलेटेड किस तरह से हैं कि बरतानिया की आवाम बहुत क़दामत पसंद है, वो सियासत में भी रिवायात को, कन्वेंशंस को इम्पोर्टेंस देती है, और जो वहाँ पर रिवायात हैं, अखलाकी जाबते हैं जो सियासत से रिलेटेड हैं, जैसे वहाँ पर जो पार्टी को चेंज करना, जिसको हम फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, यानी पैसे लेके किसी फ़ायदे के लिए पार्टी को बदलना, वहाँ पर बरतानिया में ऐसा कोई सियासी कल्चर नहीं है, जबकि ये कल्चर हमें पाकिस्तान में बहुत नज़र आता है। आपको डिफरेंट पार्टीज़ के अंदर, बल्कि आपके सामने मिसाल है कि पीटीआई के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए डिफरेंट पार्टीज़ के लोग इसके साथ शामिल हो गए, इमरान खान के साथ, और जो लोग 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ थे या मुस्लिम लीग नून के साथ थे, वो 2017 के इलेक्शन में पार्टी पॉपुलैरिटी को देखते हुए पीटीआई के साथ हो गए। तो ये जो हमारा सियासी कल्चर है उसमें ये एक चीज़ कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में, ये वहाँ पर ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती। वहाँ पर अगर एक शख्स अपना अपनी सियासी जमात को छोड़ देता है तो इसका मतलब है कि उसने जो सियासत है उससे ही उससे रिटायरमेंट ले ली है, और उसका पूरा पॉलिटिकल जो करियर है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये वहाँ का एक सियासी कल्चर है, तो इसलिए ये, और ये एक इखलाकी जाब्ता भी हो सकता है जो सियासत से ताल्लुक़ रखता है। इस जो फ्री मैन की डेफिनेशन थी, ये मैंने इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया कि सियासत में किस तरह से इखलाकी जाब्ते हो सकते हैं, कि पार्टी को सिर्फ किसी, अपनी पार्टी को इसलिए छोड़ देना कि किसी और पार्टी का पॉपुलैरिटी ग्राफ ज़्यादा है या उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, या मेरी सीट तभी सिक्योर हो सकती है कि मैं एक जीतने वाली जमात के साथ मुंसलिक रहूं और बार बार उस जमात की रुकनियत तो इख्तियार करता रहूं जो हुकूमत में हो। इस तरह से भी बहुत सारे अफराद हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ते रहते हैं या मुख्तलिफ पार्टीज़ को चेंज करते रहते हैं। तो ये हैं इखलाकी जाबते जो सियासत से के से जिनका ताल्लुक़ होता है और जिनको हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं किया जाता, लेकिन इंग्लैंड में उनको बिल्कुल एक रूल की तरह प्रैक्टिस किया जाता है। हालांकि यहाँ, वहाँ पर ये रूल या कानून नहीं है कि कोई शख्स अपनी पार्टी नहीं बदल सकता, ये सिर्फ वहाँ की एक सियासी रिवायत है। तो इस रिवायत को आज तक किसी ने नहीं तोड़ा, और अगर कोई शख्स तोड़ने की कोशिश करता है, अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाता है, तो अवामी सतह पर उस शख्स की पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं रहती, उसके जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। तो अवाम भी ऐसी जो कन्वेंशन हैं उनका एहतराम इसी तरह करते हैं जिस तरह के कानून का। सेकंड जो डेफिनेशन है डॉक्टर जैनिंग्स की, उसने कहा है कि कन्वेंशन ने बरतानवी आइनी ढांचे की खुश्क हड्डियों को गोश्त फराहम किया है। अब बरतानवी आइनी ढांचा खुश्क क्यों है कि ये रिटन फॉर्म में नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बिल्कुल एक स्केलेटन की शक्ल में है, यानी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह सॉलिड फॉर्म में हमारे पास होता है, ऐसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की सूरत में, इदारों की सूरत में नज़र आता है। तो उस इस जो खुश्क आइनी ढांचे की हड्डियाँ हैं उनको जो गोश्त फराहम किया है वो रिवायात ने किया है, और यानी एक उसको एक कंप्लीट बॉडी बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक कंप्लीट बॉडी की शक्ल दी है इन्हीं रिवायात ने। और डाइसी ने कहा है कि रिवायात आइन के गैर तहरीरी उसूल हैं, और जेएस मिल यानी रिवायात ऐसी रसूमात हैं जिन पर आइन में अमल किया जाता है। तो इस तरह हम ये डिफरेंट जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं कि वो किस तरह से इन कन्वेंशंस को या इन रिवायात को बरतानवी आइन में देखते हैं। और अगर हम खुद आइनी रवायात की बात करें तो बरतानवी आइनी रवायात आइन का एक मुकम्मल हिस्सा हैं, जिनका जिनकी प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसे की जाती है जैसे कि आइनी असूलों की, आइनी शिकों की, और इनको बार बार दोहराया जाता है, और इनकी जो अफादियत है इनकी वजह से इन्होंने बरतानवी सियासी निज़ाम को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, और इन रवायात की वजह से ही हमें बरतानिया का आइन मुकम्मल नज़र आता है। ये रवायात कौमी तकाज़ों के मुताबिक आइन को ढालती रहती हैं
और रिवायात क्योंकि गैर तहरीरी हैं, लिखी हुई शक्ल में नहीं हैं, इसलिए अगर किसी आइनी रिवायत को बदलना हो तो बहुत आसानी के साथ बदला भी जा सकता है और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक उसके अंदर तब्दीली भी हो सकती है जो बहुत आराम से हो सकती है। इस तरह ये रिवायात बरतानिया के आइन को वक्त के साथ साथ हम आहंग करने में भी अहम किरदार अदा करती रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन रिवायात में और कानून में क्या फ़र्क है। हमने अभी पढ़ा कि रिवायात आइन का एक हिस्सा है, आइन के जो ढांचा है उसको गोश्त फराहम करती हैं, आइन को एक कंप्लीट बॉडी बना देती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिवायत है और ये कानून है, इन दोनों में फ़र्क क्या होगा, किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कन्वेंशंस को, क्योंकि कन्वेंशंस क्या हैं, कौमी रिवायात हैं जिनकी बार बार प्रैक्टिस की जाती है, बार बार जिनको दोहराया जाता है और जिनकी जो अफादियत है उनकी वजह अफादियत को तस्लीम किया जाता है और अफादियत की वजह से ये कौमी रिवायात बन जाती हैं। और बेसिकली हम जब रिवायत कहते हैं तो रिवायात का मतलब होता है कौमी आदात जो अवाम में जन्म लेती हैं और अवाम उनको काफ़ी अरसे तक जारी रखते हैं और अवामी सतह पर उनकी प्रैक्टिस की जाती है, उनको बार बार दोहराया जाता है। जबकि कानून क्या है, कानून मुकम्मल ठोस असूल व ज़वाबित का मजमुआ है जिसको हुकूमत की ताकत नाफिज करती है और बरतानिया कहाइन कवानीन पर भी मुश्तमिल है और रिवायात पर भी, और इन दोनों के अंदर हम फ़र्क देखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क पाया जाता है। क्योंकि आइन मुकम्मल तौर पर ना तो कानून पर मुश्तमिल है और ना मुकम्मल तौर पर रिवायात पर, बल्कि आइन रिवायात और कानून दोनों पर मुश्तमिल है, तो इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या पाया जाता है। कानून को नाफिज करने के लिए कानून की ज़िम्मेदार एजेंसियाँ हैं, इंतज़ामिया हैं जो कानून को नाफिज करती है और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करने के लिए बाकायदा एक सज़ा होती है। लेकिन अगर किसी आइनी रिवायत को तोड़ा जाए तो ना तो पुलिस हरकत में आती है और ना रिवायत तोड़ने वाले फ़र्द को कोई सज़ा दी जाती है। कानून की अतात हमेशा मुस्तहकम असूलों पर होती है जबकि रिवायत की ज़बरदस्ती अतात नहीं करवाई जा सकती। उसके अलावा इन दोनों की तश्कील में भी फ़र्क है, इन दोनों की बनाने में फ़र्क है कि जो आइन है सॉरी कानून है उसकी तश्कील पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट कानून जब बना लेती है तो हतमी तौर पर ये बादशाह के दस्तखतों से इसको नाफिज किया जाता है, लेकिन रिवायात की जो तश्कील है वो कोई ख़ास इदारा नहीं करता बल्कि ये अपनी अफादियत की वजह से खुद परवान चढ़ती हैं, रिवायात को पार्लियामेंट नहीं बनाती और ये लोगों की ज़िंदगी में इज्तमाई अमल के तौर पर पैदा होती हैं, इर्तकाई मनाजिल तय करती हैं और एक फ़ाइनल कंक्रीट फॉर्म में हमारे सामने आती हैं और उन रिवायात को बार बार प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि उनकी अफादियत कौमी सतह पर तस्लीम की जाती है। इसके अलावा कानून को नाफिज करने के लिए हकूमत और इंतज़ामिया की ताकत होती है, पुलिस की ताकत होती है, हकूमत की ताकत होती है तो किसी कानून को नाफिज किया जाता है, लेकिन रिवायात के नफाज के लिए ना तो हुकूमत कोई काम करती है और ना ही उसके पीछे इंतज़ामिया की कोई कुव्वत मौजूद होती है। ये इदारे कानून को नाफिज करने के ज़िम्मेदार हैं, रिवायात को कौमी रिवायात चाहे वो कौमी रिवायात क्यों ना हो उनको नाफिज करने की ज़िम्मेदारी इन इदारों की नहीं होती और ये इसीलिए ये रिवायात किसी इदारे की पुश्त पनाही की बिना पर नहीं आती सामने आती और ना उनकी वजह से नाफिज होती हैं बल्कि ये अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक उभरती हैं और सियासी और दस्तूरी निज़ाम का एक हिस्सा बन जाती हैं। उसके अलावा रिवायात मुकम्मल तौर पर गैर तहरीरी शक्ल में होती हैं और इनको लिखा नहीं जाता, जबकि कानून को हम देखते हैं कि ये तहरीरी शक्ल में होता है और कानून को अगर बदलना हो तो उसमें तरमीम का एक ख़ास तरीका है, कानून को ख़त्म करने का एक ख़ास तरीका है, जिस तरह कानून को बनाने के लिए पार्लियामेंट का इदारा मौजूद है इसी तरह कानून में तब्दीली लाने के लिए भी पार्लियामेंट का इदारा है। किसी भी कानूनी शिक में तब्दीली लानी हो, तरमीम करनी हो तो उसके लिए एक बाकायदा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है, लेकिन जब किसी रिवायत को बदलना हो तो उसके लिए किसी कानूनी कार्रवाई की किसी इदारे की ज़रूरत नहीं पड़ती
बल्कि वो अगर कोई रिवायत ऐसी हो जिसकी ज़रूरत बाकी ना रहे तो वो खुद ब खुद अपने अंजाम को पहुंच जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह आवाम रिवायतों को खुद से उनकी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील कर लेते हैं, जबकि कानून को तब्दील करने के लिए हमें एक मुकम्मल इदारे की ज़रूरत होती है। रिवायात को कानून का दर्जा इसलिए भी हासिल नहीं होता कि इन्हें मुल्क की अदालतें तस्लीम नहीं करती, यानी उनके खिलाफ वर्जी पर हमें कानूनी तौर पर सज़ा नहीं दी जा सकती और ना ही किसी रिवायत के तोड़ने पर किसी शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है, ना उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है और ना अदालतें किसी रिवायत की बिना पर किसी शख्स को सज़ा दे सकती हैं। लेकिन किसी कानून को तोड़ने की बिना पर किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, उसके खिलाफ उसको सज़ा भी दी है और उसी कानून की रोशनी में जिसको उसने तोड़ा होता है उसको सज़ा भी दी जाती है। इसके अलावा कानून बिल्कुल वाज़े होता है, तहरीरी शक्ल में होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए पार्लियामेंट बाकायदा तौर पर काम करती है और इसकी तशरीह भी पार्लियामेंट करती है। इसके मुताबिक काम ना करने वालों को अदलिया सज़ा भी देती है। लेकिन जो रिवायात हैं ये सिर्फ़ हमारे पास गैर तहरीरी सूरत में होती हैं और सिर्फ रिवायात एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कौमी सतह पर होती है, तो इसकी तशरीह के बारे में इख्तलाफ पाया जा सकता है और इसकी तशरीह कोई भी इदारा करेगा तो उसको वो अपनी अपने कॉन्टेक्स्ट में इसकी उसकी जो है क्या कहें तशरीह वो कर सकता है। उसके अलावा रिवायात किसी रिवायात के बारे में हमने पढ़ा कि उनको कोई पार्लियामेंट वगैरह नहीं बनाती, जिस तरह से कानून को पार्लियामेंट बनाती है इसी तरह रिवायात को सोची समझी एक किसी प्लानिंग के तहत नहीं बनाया जाता। कानून तो जब ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी कानून को पूरे गौर व फिक्र के साथ पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है, उसके लिए उस कानून के फवायद नुकसान देखे जाते हैं, फिर एंड पर उस डिफरेंट कमेटीज़ को दी जाती है, एक रिपोर्ट आती है और फिर कानून को पास किया जाता है कि इस कानून को किस तरह नाफिज किया जाएगा। लेकिन जब कोई रिवायत बनानी होती है तो रिवायत बनाने के लिए कोई इदारा नहीं है ना, तो और ना ही इस रिवायत किसी भी रिवायत को सोची समझी स्कीम के तहत बनाया जाता है, बल्कि रिवायात आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती हैं और ये मुसलसल अमल का नतीजा है और आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशनरी जो फॉर्म है इनकी वो इनको एक बाकायदा एंड पे एक रिवायत की शक्ल देती है। इसी तरह आखिर में जो लास्ट इन दोनों में हम फ़र्क कह सकते हैं वो बर्तरी का भी फ़र्क आता है। कानून रिवायात से बरतर होता है इसलिए कि कानून रिवायत को ख़त्म कर सकता है। अगर कोई ऐसी रिवायत कौमी सतह पर बरतानिया में पाई जाती है या पाई जाए जो कि जिसका कोई फ़ायदा ना रहे या वो आवाम के लिए इतनी फ़ायदेमंद ना हो तो उसको कानून बनाकर उसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन कोई भी रिवायत कानून को ख़त्म नहीं कर सकती। इस तरह से कानून को रिवायत पर बरतरी हासिल हो जाती है कि वो कवानीन को ख़त्म नहीं कर सकती लेकिन किसी भी रिवायत को किसी कानून के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। अगर किसी रिवायत को बरकरार ना रखना चाहे हुकूमत या हुकूमती इदारे तो वो एक कानून बनाते हैं और जो रिवायत होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये कानून और रिवायत में फ़र्क है, यानी रिवायात जो कौमी आदात हैं उन पर मुश्तमिल हैं जिनको हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं और एक कौमी आदात के तौर पर हम इनको समझ सकते हैं, लेकिन कानून ठोस असूल ज़वाबित का मजमूआ होता है जिसको हुकूमत नाफिज करती है। कानून को बनाने के लिए इदारे हैं और कानून को नाफिज करने वाले भी इदारे हैं। कानून की पासदारी ना करने वालों को सज़ा देने के लिए भी अदलिया मौजूद है, जबकि रिवायात को बनाया नहीं जाता, वो किसी सोची समझी स्कीम का मंसूबा नहीं होते, उनको नाफिज हुकूमत नहीं करती बल्कि वो आवाम के अंदर खुद ब खुद परवान चढ़ती हैं और उनको कोई वो किसी सोची समझी स्कीम का नतीजा भी नहीं होता। तो ये रिवायात और कानून में फ़र्क है।